क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 एंड इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. अ गुलाब जामुन कंटेन्स, एक गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप कितना 30% ऑफ द वॉल्यूम, जितना गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन. ऐसे ऐसे गुलाब जामुन जो कि 45 इन नंबर है उनमें ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का है वो गुलाब जामुन विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, बीच में सिलेंडर और साइडों में हेमिस्फीयर है, तो इस तरीके के गुलाब जामुन है, गोल गोल नहीं है, हेमिस्फेरिकल है, सिलेंडर है, इस तरीके का गुलाब जामुन है, इस तरीके से ओवल शेप में गुलाब जामुन है जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं. ओके बेटा, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विच विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना. तो हमें उसका सिरप निकालना है, उन सारे गुलाब जामुन का कितना सिरप का वॉल्यूम है ये निकालना है. तो देखो ये कंटेनर है उसमें 45 गुलाब जामुन है, तो हमें पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा. गुलाब जामुन को समझो पहले कैसा है, डिफरेंट है, थोड़ा गोल नहीं है. तो देखो अभी ये जो गुलाब जामुन है ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है, और जो हेमिस्फीयर है हमारा उसके बारे में क्या कहता है कि जो रेडियस है हेमिस्फीयर का दैट इज डायमीटर दिया हुआ है कितना 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे ना तो उतना ही इसकी लेंथ भी होगी 1.4. ओके बेटा, तो जो है हेमिस्फीयर की लेंथ भी क्या हो जाएगी रेडियस जैसी ही, उतनी ही 1.4 हो जाएगी. अब ये पूरा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर का है, इधर 1.4 इधर 1.4 तो कितना हो गया 2.8, अंदर सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 2.2, देखो ये निकाली हुई मैंने 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की. अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये बीच वाला प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा. ओके बेटा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ओ सारा फॉर्मूला लगा दीजिए, वो लगाएंगे तो क्या होगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2. 2.2 क्या है हमारा, एच है किस चीज का, सिलेंडर का एच जो हमने ये 2.2 कैलकुलेट किया था, प्लस 2 क्योंकि दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 लगा दिया, 2/3 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना था, जो सिलेंडर का रेडियस भी उतना ही होगा जितना हेमिस्फीयर का, 1.4 का क्यूब. अब इस सारे को काट पीट के और सॉल्व करके आंसर आएगा क्या, जब इसको सॉल्व करोगे तो 94/1.2 125 प्लस इस सारे को करोगे तो 4312/375, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9394/375 सेंटीमीटर क्यूब. ओके बेटा, ये निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, अभी हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है. ओके बेटा, 9394/375 इंटू 45 करेंगे 845 46 375 आएगा. यस, जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं ये 75 आएगा बेटा, ये काट पीट के आया है 75. अब हम कहता है कि जो गुलाब जामुन है ना जितने भी, इनका अगर हम 30% निकालें तो वॉल्यूम ऑफ द सिरप आ जाएगा, सिरप का जो गुलाब जामुन है, जीजे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गुलाब जामुन है, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया हमने. तो देखो 845/46/75 इंटू 30%, 30/100 किसी चीज का परसेंट निकालते हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट टोटल इंटू दैट परसेंट बाय 100. जब आप इसको कट करेंगे यू विल गेट 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर होगा. ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन इन 45 गुलाब जामुन. ओके बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पहली बात तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि गुलाब जामुन किस टाइप का है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है. पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, सिलेंडर प्लस टू हेमिस्फीयर, और उसको निकालने के बाद 45 का निकालेंगे, 45 का निकालने के बाद 30% उसका निकाल देंगे, तो बड़े आराम से हमारा जो है
ये वॉल्यूम ऑफ द सिरप इन द गुलाब जामुन आ जाएगा. ओके बेटा, टेंथ क्लास. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द पेज नंबर 248 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. और क्या पूछा गया, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड. देखो इस तरीके से क्यूबॉइड की शेप का एक पेन स्टैंड है जिसमें इस तरीके से कॉनिकल छेद है ताकि पेन जो है इस तरीके से अंदर चला जाए. कोन की शेप का होगा ना, कोन होता है ऐसा, देखा ये कोन ही है, राइट बेटा. तो इस तरीके से कॉनिकल शेप के जो है ना डिप्रेशन बने हुए हैं जिसमें पेन हम डाल सके. तो द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या दी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इस बॉक्स की क्या दिया है, 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर. और देखिए और क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. तो देखो नीचे से ये जो ऊपर से गोला है यहां से रेडियस दिया हुआ है हमारे को, इसका रेडियस दिया है 0.5 और इसकी डेप्थ हाइट दी है 1.4 ही दिया ना, हाँ ये दिया. देखो ये हाइट ऑफ द कोन बन जाएगी. अब हमारे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड. वो कैसे बनेगा, देखो जब अगर हम इस पूरे का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें और उसमें से इन चार डिप्रेशंस को हटा दें, क्योंकि वो तो गड्ढे है ना उसके अंदर पेन को फंसाने के लिए इस तरीके से, तो उस वुड को निकाल दिया जाए तो हमारे पेन स्टैंड की वॉल्यूम आ जाएगी, पेन स्टैंड की वॉल्यूम आ जाएगी. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमें ये दिया है 15 × 10 × 3.5, ये लगा दिया हमने, माइनस वॉल्यूम ऑफ द फोर डिप्रेशन है 1, 2, 3, 4, चार पेन रखे हुए हैं. तो एक की क्या है, एक की को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 πr² h, तो सभी की वैल्यूज लगा दिए, 1/3, 22/7 इंटू आर हमारा 0.5 एंड उसका हमने कर दिया स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 1.4 और ये सारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, राइट बेटा. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 525 फ्रॉम 1.47 फ्रॉम 525, इसमें से इसको घटाएंगे, वी विल गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आया हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, किसका था, ये था हमारे पेन स्टैंड का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आ गया. ओके बेटा, यस टेंथ क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज ऑन द पेज नंबर 248 ऑफ योर बुक. और क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, उल्टा एक कोन है और उस कोन का जो है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इट इज फिल्ड विद द वॉटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पानी से भरा हुआ था और भरी हुई चीज में जब कुछ डालते हैं तो वो पानी बाहर आता है. तो उसने लेड शॉट्स डाले, क्या डाले, लेड शॉट्स, जैसे ही वो गोलियां डाली सारा पानी आ गया बाहर. तो अब ये कहता है उन लेड शॉट्स का नंबर बताओ. तो अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जितने लेड शॉट्स डाले उतना पानी बाहर आया, तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर दैट इज दैट कम्स आउट, राइट. तो जितना पानी बाहर आया, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर विच फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स, ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है. तो देखो बेटा जितना पानी बाहर आएगा उतना उन गोलियों का वॉल्यूम होगा. अब कोन का रेडियस दिया है, हाइट दिया है, आप पूरे वाटर का कोन का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वो निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे, 1/3 πr² h, 1/3 π ही रख लो, ये आगे जाके पाई कट जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, पाई को पाई ही रखना है, × 5 × 5 × 8, 5 थी हमारी रेडियस, 8 था हमारा हाइट, 200 π/3, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर. अब वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट कैसे निकालेंगे, वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमें गिवन है क्वेश्चन में, 1/4 इसका निकाल देंगे, 50 by 3 π सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. अब हमें वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर लेड शॉट्स जो हैं, शॉट्स जो हैं लेड शॉट्स, वो स्फीरिकल है ना, गोल गोल है, तो उनका हम उसमें से एक का वॉल्यूम निकालते हैं, 4/3 πr
क्यूब, उसका रेडियस हमारे को दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 4/3 पाई इंटू 0.5 को 5/10, 5/10, 5/10 को कट कर दीजिए, सारा काटेंगे पाई बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखो टोटल जो लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम था वो तो था ये वाला, और एक का है ये वाला, टोटल को जब एक के से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ द बॉल्स, नंबर ऑफ द लेड शॉर्ट्स। ओके 50/3 इंटू पाई, अब पाई से पाई कट गया, ये 6 ऊपर चला गया, जब इसको कट करेंगे वी विल गेट 100। तो कितने लेड शॉर्ट्स थे, लेड शॉर्ट्स कितने थे, 100। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है, जितना पानी निकलेगा उतना ही वॉल्यूम लेड शॉर्ट्स का होगा, और पानी कितना निकला 1/4 ऑफ द वाटर, तो कौन का वॉल्यूम निकालो उसका 1/4 करो, वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉर्ट्स आ गया। फिर एक बॉल का वॉल्यूम निकालो और टोटल वॉल्यूम को उस एक बॉल के से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ द लेड शॉर्ट्स। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ऑन पेज नंबर 248 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द हाइट 220, एक पोल है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 है, तो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा, उसके बाद देखिए विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और भी सिलेंडर है, ओके सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है और बेस है 8 सेंटीमीटर का, तो दो सिलेंडर हैं। अगर इस पोल का पूरे का वॉल्यूम निकालना है हमें सारे के सारे पोल का, तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 करना होगा। वॉल्यूम 1 निकालेंगे तो हमारी रेडियस लगेगा 12 सेंटीमीटर, हाइट लगेगा 220 सेंटीमीटर एंड वी विल गेट पाई आर स्क्वायर एच, और पाई लगाना है 3.14, वही लगाना है जो कहा गया है। अगर आपने 22/7 लगाया तो आंसर स्लाइटली अलग आ जाएगा और गलत हो जाएगा, और रेडियस लगा था 12 का स्क्वायर लगाया इंटू 220 और ये वॉल्यूम 1 आ गया 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सिलेंडर एट द टॉप है, क्योंकि ये सरमाउंटेड बाय दिस टॉप है ना, तभी पूरा पोल बनता है, तो रेडियस उसका 8 है, हाइट 60 है, वैसे ही लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर एच 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60 एंड वी विल गेट 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब पोल का पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 1 क्या था, 99475.2 ये वाला, एंड और ये वाला 12057.6, इन दोनों को जोड़ेंगे वी विल गेट 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमें मास ऑफ द पोल निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, इसीलिए इतने क्यूब का निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 892262.4 ग्राम, और इसको किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट जो है इधर मूव कर जाएगा, कितने डिजिट, 3, 1, 2, 3, तो आंसर आया 892.26 किलोग्राम। ओके, तो हमारा मास ऑफ द पोल आ गया 892.26 किलोग्राम। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन और सिंपल सम है, 2-3 नंबर में पूछ लेंगे बड़े आराम से, आप कर देना बड़े आराम से। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर अगेन 248 पे ही चल रहा है, 248 ऑफ योर बुक एनसीईआरटी बुक। तो देखो बेटा क्या पूछा गया है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, कोन का दिया है 120 एंड 60 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, कहाँ पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पे खड़ा है, और हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 60 होगा नेचुरली, जितना यहाँ पे उतना ही तो रेडियस होगा ना। अब ये देखो 120 और 60 मिलके इस सिलेंडर की हाइट बन गई 180 सेंटीमीटर, ये चीज समझने की है, फिगर समझ में नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। अब ये जो हमारा सॉलिड है ये सिलेंडर में खड़ा हुआ है और सिलेंडर भरा था पानी से, जब उसको प्लेस किया गया तो थोड़ा पानी बाहर आ गया। अब कहता है कि जितना पानी बाहर आ गया, जितना बचा हुआ है पानी ना, उसका वॉल्यूम निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम अगर हम घटा देंगे तो बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा।
ओके बेटा, क्योंकि जो पानी बाहर गया है वो कितना गया है, इसके वॉल्यूम जितना बाहर गया है इस सॉलिड के जितना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले समझो कि ये रेडियस है, ये यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस भी 60, हेमिस्फीयर का भी 60 और कोन का भी, सभी का रेडियस है 60। हाइट हमारे कोन की है 120 और हेमिस्फीयर की 60 और 120 मिला के सिलेंडर की होगी 180। जब ये चीजें क्लियर है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम वन लिख दिया मैंने उसको, कैसे, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³, 2/3 π 22/7, आर था 60 का क्यूब लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 πr³ πr² h। अब देखो 22/7 इंटू रेडियस था 60 का स्क्वायर इंटू हमारी हाइट ऑफ द कोन थी 120 और ये सारा आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो सेम सेम आ रहे हैं, 1440 प्लस 1440 पाई की टर्म्स में ही छोड़ लीजिए, 22 को आप पाई ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान हो जाएगा, आगे जाके लास्ट में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट 288000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए हमारा रेडियस 60 रहेगा, हाइट हमने 180 निकाल दी थी, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए। ओके बेटा, 60 स्क्वायर इंटू 180 एंड यू आर गोइंग टू गेट 648000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सिलेंडर में से घटा रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड प्लेस्ड, 648000 माइनस 288000 पाई को घटा देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 36000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को 22/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मीटर क्यूब बना देंगे तो कितनी बार 100 से डिवाइड करना होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 बार करेंगे क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 बार 100 से डिवाइड कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 1.131 meter cube। सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, लिख लीजिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर देखो शेप को समझना और ये समझना कि जितना भी सॉलिड अंदर गया उतना ही पानी बाहर आया है, और अगर सिलेंडर में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को घटा दें वी विल गेट द लेफ्ट ओवर वाटर। ओके बेटा, तो इन चीजों को समझना, इन सारी शेप्स को, फॉर्मूलोज को समझना और पाई को पाई ही रहने देना, इजी कैलकुलेशन करना और लास्ट में जाके पाई से मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे सम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और सिस्टमेटिकली जब हम चलते हैं, फिगर को समझ जाते हैं, उसको बना लेते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 cm लॉन्ग एंड 2 cm इन द डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। देखो नीचे से गोल ऊपर से सिलेंडर, तो ऐसा क्या होता है, सुराही होती है, तो इस सिलेंडर का डायमीटर 2 cm है, रेडियस 1 cm है, हाइट 8 cm है और जो स्फीयर है उसका डायमीटर 8.5 है, रेडियस 8.5/2 आ जाएगा। अब हमें इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है, और कहता है कि किसी बच्चे ने ये निकाला हुआ है 3, 4, 5 cm³, चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो वॉल्यूम वन क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसमें की रेडियस 1 cm, हाइट 8 cm, वॉल्यूम ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 π लगाने के लिए बोला गया है तो वही लगाएंगे, इंटू 1² × 8, 25.12 cm³, ये आया हमारा वॉल्यूम वन। अब वॉल्यूम टू ऑफ द स्फीयर है 4/3 πr³, 4/3 × 3.14 × 8.5/2 का होल क्यूब करेंगे एंड वी विल गेट 321.39 cm³। एंड व्हेन वी आर एडिंग वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू वी आर गोइंग टू गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। ओके बेटा, तो वॉल्यूम वन प्लस वॉल्यूम टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट 346.51। अब इस बच्चे ने तो ये निकाला था, ये तो हो गया
wrong, which is not correct. Okay, बेटा, so this answer is not correct. हमारा आंसर आया 346.51. तो देखो बेटा, this exercise was very easy. 13.2 कब इजी है? When you are going to learn all the formulas, you are understanding the shapes and बड़े आराम से आप उसको draw करके उसकी deep understanding के साथ में formulas लगा रहे हैं, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे और एक नंबर भी आपका कहीं पे भी नहीं जाने वाला. इफ द कैलकुलेशंस आर परफेक्ट, अगर आपकी जमा घटा ठीक है, थोड़े से भी आपने गलती कर दी, एक बार कैलकुलेशन करने के बाद में दोबारा से उसको चेक करो ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो. तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये फिनिश हो गई हमारी एक्सरसाइज. आपको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होगा. ओके बेटा.